हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मैं हूँ आयुष सोनी के साथ। मेरे स्टूडेंट है, अमृतपाल विजन के स्टूडेंट है, सेंट क्लेयर कॉलेज विंडसर में है। हम लोगों को ये पूरा अपना कैंपस बताएंगे और ग्राउंड रियलिटी बताएंगे सेंट क्लेयर में पढ़ने की, कैसे रहते हैं, कितना खर्चा हो जाता है, मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, यूनिवर्सिटी ये कॉलेज कैसी है, कैसे कोर्सेज होते हैं, वीक में कितनी बार आना पड़ता है, कितनी जॉब कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी है ये हमारे स्टूडेंट हमको बताएंगे सेंट क्लेयर कॉलेज से। सो जैसे कि आपको पता है मैं हूँ वर्ल्ड एजुकेशन टूर पर। ये मेरा 22nd कैंपस टूर है पूरे वर्ल्ड एजुकेशन टूर का। 100+ कैंपस टूर करूँगा मैं पूरे वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। US ख़त्म करके आया हूँ, अभी हूँ कनाडा में, इसके बाद UK, स्कॉटलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अभी प्लान है जॉर्जिया जाने का, जहाँ पर हम लोग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कवर कर पाएंगे, बट उसका प्लान अभी बन रहा है, देखेंगे। बट 100 कैंपस टूर आपको मैं बिल्कुल दूंगा। सो आयुष, आपके बारे में थोड़ा बताइए। सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष सोनी। सो मैं बेसिकली अहमदाबाद से हूँ। सो आई जस्ट पास आउट माई 12th स्टैंडर्ड बिफोर अ ईयर। सो मेरा प्लान था पहले से कि कैनेडा मुझे जाना है आफ्टर माई स्टडीज, बट डिसाइडेड नहीं था 12th के बाद जाऊँ या बैचलर्स करके जाऊँ। सो मेरा भाई है, कज़िन, इज नेम इज़ देव जोशी, उसने अमृतपाल विजन से उसने कंसल्टेंसी ली है। सो ही इज़ इन जर्मनी राइट नाउ। सो उसने देन सजेस्ट किया हमें कि आप एक बार अमृतपाल सर को मिल के आओ एंड ही विल डिसाइड what I have to do and what not. So हम then गए अमृतपाल सर के पास, मिले, थोड़ा फैमिली जैसा लग गया, कनेक्शन जैसा लग गया कि हाँ सर सही है, एकदम सही बता रहे हैं। देन उन्होंने बताया कि हाँ क्यों नहीं जा सकते 12th के बाद, सब स्टूडेंट्स आते हैं, तू भी जा। देन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये डिसाइड नहीं था। देन उनका भी सर ने गाइड किया कि इफ यूनिवर्सिटीज में जाना है देन यू हैव टू स्कोर दिस परसेंटेज, देन इफ कॉलेज में जाना है तो ये। देन आफ्टर ऑफ ऑल द प्रोसीजर्स वी हैव डिसाइडेड दैट आई वांट टू गो फॉर कॉलेज। एंड देन मेरे 12th के परसेंटेज के हिसाब से सर ने मुझे सब कॉलेज शॉर्ट लिस्ट कर दी एंड देन वी अप्लाइड फॉर दिस सेंट क्लेयर कॉलेज, विच आई फाउंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मी टू स्टडी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आयुष, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंपस टूर। आपको डिटेल में आपके कैंपस के बारे में बताना है। सेंट क्लेयर एक वाइब्रेंट कॉलेज है यहाँ पर, और अगर आपके परसेंटेज थोड़े कम भी होते हैं, बैकलॉग ज़्यादा भी होते हैं, गैप भी ज़्यादा होता है, तो सेंट क्लेयर कॉलेज आपको एडमिशन दे देता है। वीज़ा लाना या आना वो आपके ऊपर है, आपके कंसल्टेंट के ऊपर है, बट सेंट क्लेयर कॉलेज अभी तक देखने से मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मजा आने वाला है, वेदर भी बहुत अच्छा है और आयुष हमको लेके चलेंगे अभी अंदर। लेट्स गो गाइस। और आयुष सोनी, आपको पता होगा मैंने इनको सरप्राइज दिया था इनके घर पे जाके, जो आई थिंक सो सबसे इमोशनल वीडियो है वीजा सरप्राइज का आज तक हमारी यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक मैं आपको डालूंगा तो आप उसको जरूर देखना। लेट्स गो आयुष, शो मी योर कैंपस प्लीज। लेट्स गो। सो गाइस, ये हमारा मेन कैंपस है सेंट क्लेयर का। सो बेसिकली सेंट क्लेयर के तीन कैंपस है, विच इज वन चैथम, this is main campus is in south windsor and another one is in downtown. So let's go, this is our main campus. Hello guys, so finally we are in main building 9 now. This is our main campus and let me show you the whole main campus. So this is our security department for our main building campus. ये sitting area है where all the students can wait for the bus and chill. So this side we have our cafeteria and SRC department, SR means student representative council department, where students can rest, they play games, they can chill out. So let's go guys. So this is our cafeteria. We have all of the food items like booster juice, mini shawarma, subway, pizzeria, but yeah, abhi filhal only pizzeria, subway and booster juice chalu hai, but as soon as fall intake starts puri sab food eateries and sab khulne wala hai and many jobs, bahut sari jobs students ke liye open hone wali hai. So this is a plus point for students. I have also applied for that and unhone mujhe bola hai ki pure 80 students ko wo log admission, I mean not admission but they log recruit karne wale hai for the in campus job. So now guys, I'll take you to the student life center, which is the most coolest place of our Saint Clair College.
So guys, as you can see, we have Team Hortons over here for the refreshment for the students. And the most prettiest thing over here is the flags. It's almost sub countries ke flags yahan pe hai. So yahan pe kind of our open auditorium hai where all the guests come, president, college ki vice president, student representative council ka koi announcement hota hai, so wo sab yahan hota hai. Kursiyan yahan pe rakh dete hain, students can all sit over on kursi pe or over stairs. So now guys, I'll take you to the all where the all classrooms are. So let's go. सो यहाँ पे हमारा एथलेटिक एसोसिएशन के जो जो भी टीम जीतती है उनके मेंबर्स मैन ऑफ द मैच हैं वो बोलते हैं, उनके फोटोग्राफ्स इधर लाए जाते हैं, अनाउंसमेंट्स इधर रखी जाती है, डिफरेंट इवेंट्स के अनाउंसमेंट्स इधर रखी जाती है. बट अभी कोई चैम्पियनशिप या कोई टूर्नामेंट चल नहीं रही है, उसके वजह से अभी कोई फोटोज़ या वीडियो और कोई भी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. या गाइस, तो ये हमारा कैंपस स्टोर है विच इज़ क्लोज By now, but that's all right. क्योंकि ये सुबह 8 से 3 बजे तक ओपन होता है. हियर स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक्स, जर्सीज, कॉलेज के लिए नर्सिंग के लिए और उनका यूनिफॉर्म एंड हुडीज एंड बाकी सब पेन पेंसिल वगैरह सब कुछ यहाँ पे कैंपस स्टोर में मिल जाता है. यहाँ पे एंड यहाँ से दोनों क्लासरूम स्टार्ट होते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है. यहाँ पे म्यूजिक, मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल उन सब के एंड लैब्स वो सब के यहाँ पे क्लासरूम्स हैं. एंड दिस साइड जैसे कि बिजनेस है, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, उन सब के क्लासरूम्स इधर है. सो लेट मी टेक यू टू द वन ऑफ आवर क्लासरूम्स. लेट्स गो गाइस. सो ये हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स का क्लासरूम है. यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू कैनेडियन मार्केटिंग की क्लास होती है. सो सी गाइस हाउ बिग इज दिस. यहाँ पे प्रोजेक्टर स्क्रीन्स ऑल्सो है. सो बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दैट हम स्टूडेंट्स अपनी प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट करते हैं. एंड इट इज़ अ लॉट मोर फन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन. वो अपने आइडियाज़ देते हुए वो अपने व्यूज देते हैं. लेट्स गो गाइस, लेट मी टेक यू टू शो द अदर क्लासरूम्स. सो दिस वे दूसरे क्लासरूम्स है. सो लेट मी शो यू. ये लैब है हमारी for the computer students and networking students. So guys, अब मैं आपको ले चल रहा हूँ welding and हमारी maths class दिखाने. So let's go. So guys, आप देख सकते हो different artifacts यहाँ पे लगे हुए हैं हमारी college में जो खुद students ने बनाए हुए हैं. सो गाइस, ये रूम है कारपेंट्री एंड वुडवर्किंग स्टूडेंट्स के लिए. ऐसा नहीं कि कॉलेज है तो सिर्फ थियोरिकल सब्जेक्ट्स ही यहाँ पे पढ़े जाते हैं, बट स्किल्ड सब्जेक्ट्स भी ऑल्सो यहाँ पे पढ़े जाते हैं. कारपेंटरी, वुडवर्किंग, आगे वेल्डिंग का भी है. सो आप देख सकते हो ये पूरी ग्रेफिटी बनाई है स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज वालों ने. यहाँ पे कटिंग है, सॉइंग है एंड वेल्डिंग क्लासरूम्स जो कि आगे है. कॉलेज के हर कोने पे, कॉलेज के मतलब पूरी जगह पे यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स एंड सब कुछ लगा है स्टूडेंट्स के लिए. सो गाइस, ये हमारा बैक साइड का एंट्रेंस है. जैसे कि यहाँ पे रेसिडेंस है स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए, सो स्पेशली उनके लिए एंट्रेंस बनाया हुआ है क्योंकि यहाँ से वो लोग एंटर कर सके. सो दिस इज आवर बैक साइड. सो गाइज, ये है ब्रिज टू एक्सीलेंस जो फोर्ड वालों ने खुद यहाँ पे बनाया हुआ है. यहाँ पे फोर्ड के वर्कशॉप्स होती रहती है, यहाँ पे इंटर्नशिप्स होती रहती है फोर्ड की. एंड मैनी स्टूडेंट्स गॉट द जॉब फ्रॉम द फोर्ड एज वेल. सो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल उन लोगों ने बनाया है. दिस इज़ अ ब्रिज टू एक्सीलेंस. सो गाइज, जैसे आपने पहले देखा कि यहाँ पे कारपेंटिंग, वेल्डिंग, कॉस्मेटोलॉजी सब कुछ स्किल्ड सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं. सो वन मोर स्किल सब्जेक्ट विच इज नोन एज फूड सेंटर फॉर एक्सीलेंस मैन्युफैक्चरिंग. हमारी कॉलेज स्किल्ड सब्जेक्ट्स को काफ़ी प्रमोट करती है. नाउ लेट मी टेक यू टू द लाइब्रेरी ऑफ अवर कॉलेज. लेट्स गो गाइज. Let's go to the library, guys.
ये हमारा रिसेप्शन डिपार्टमेंट है गाइस। ये एक छोटी लैब है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, जहां वो अपने कॉलेज में ही रह के अपने असाइनमेंट्स, अपने टेस्ट वो सब दे सकते हैं। एंड ये है जो टिपिकल लाइब्रेरी हम बोलते हैं, लॉट्स ऑफ बुक्स, गेम्स भी इधर दी हुई है फॉर द स्टूडेंट्स। So guys, let me show you to the best view of our college. So guys, as आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक एंड थिएटर रिलेटेड बुक्स है, ESL रिलेटेड सब बुक्स दी हुई है, डिक्शनरीज पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे सब डिक्शनरीज दी हुई है। So guys, this was our second floor. Now I'll take you to the third floor, जो अभी अभी बना है और उनका नाम दिया है Zekelman Center. ये आप लॉबी देख सकते हो, ये अभी अभी नहीं सब लॉबीज बने, यहाँ पे सब कोऑर्डिनेटर्स की ऑफिसेज दी हुई है। या सो गाइस, नाउ आई विल टेक यू टू द थर्ड फ्लोर, लेट्स गो। सो जैसे हमने देखा वीडियो की स्टार्टिंग में, जो हमारा SRC स्टूडेंट लाइफ सेंटर था उसकी व्यू पूरी ऊपर। So guys, this is our first floor. This is the entrance of our first floor. ये पूरा नया बिल्डिंग है, पूरा नया फ्लोर है, जिसको इन्होंने नाम दिया है Zekelman Center for Business. Let me check you in. So this side we have a cafe. नीचे इतना बड़ा नहीं, but for the students यहाँ पे कैफे आगे बनाया हुआ है। मैं अब मेरी अकाउंटिंग की क्लासेस में ले जा रहा हूँ, लेट्स गो। पूरी नई बिल्डिंग, पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर। As you can see guys, same classroom नीचे जैसी, but sitting arrangement थोड़ी अलग है ऊपर से। So guys, अब मैं आपको residence पे ले जाऊंगा, हमारे international students के residence पे, which is known as GEM residence. Let's go guys. ये पीछे residence है, वो domestic students के लिए residence है, जहाँ पे domestic Canadians और बाकी सब students यहाँ पे रहते हैं। हाँ, उसके पीछे हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का रेसिडेंस है गाइस। तो अब मैं आपको हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रेसिडेंस में ले जा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली वी आर एट अवर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेसिडेंस, जैम रेसिडेंस। मैं खुद यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर पूरा रहा हुआ हूँ, यहाँ पे सही में बहुत फन है बाकी और सब स्टूडेंट्स के साथ रहने में और खुद से लाइफस्टाइल जीने में। सो गाइस, वी आर नाउ इन अवर जैम रेसिडेंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रेसिडेंस। सो गाइज, ये हमारा स्वीट है, ये पूरा कॉमन एरिया है फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे चार रूम्स है, A, B, C और D। सो सब स्टूडेंट्स के लिए उनका प्राइवेट रूम यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी स्टूडेंट्स अपना रूम शेयर नहीं कर रहा। एंड दो वॉशरूम की फैसिलिटीज भी दी हुई है, एक रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और सब, एंड एक स्टोर रूम भी दिया हुआ है। सो नाउ लेट मी शो यू द रूम ऑफ द रेसिडेंस। एज आप देख सकते हो, सारी फैसिलिटीज दी हुई है फॉर स्टडी टेबल, लैंप, चेयर्स, यहाँ पे बेड फ्रेम भी दी हुई है। जस्ट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को लेके आना है वो अपना सामान एंड अ मैट्रेस ले आना है बेड के लिए, जो उनको आगे भी इफ रेसिडेंस छोड़ के फ्रेंड्स के साथ बाहर रहने जाना हो वहाँ पे भी उनको यूज़ हो जाएगा। दिस इज़ अवर रूम। This is the washroom, guys.
सो गाइस अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग जगह पे ले जाऊंगा स्टूडेंट्स के लिए, वो है लॉन्स हमारा जो है सेकंड फ्लोर पे। लेट्स गो। ये पूरी लॉबी भी स्वीट्स के लिए है, पूरी सब स्वीट्स है, सब यहाँ पे रूम्स है। दिस इज द एंट्रेंस, लेट्स गेट इन। ये है हमारा लॉन्च जिसे टीवी रूम भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे चिल करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप में बैठ के बातें, यहाँ पे गेम्स खेलते हैं, सब गेम्स नीचे रिसेप्शन से देते हैं, बोर्ड गेम्स, डार्ट गेम्स एक्सेट्रा सब बैठते हैं एंड चिल आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स इफ आपको यहाँ पे ही रहना है कॉलेज के रेसिडेंस में बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ, बाकी सब खुद से लाइफस्टाइल जीने में, ना कि बाकी दूसरे रेंट में रहना, बट कॉलेज से नज़दीक, कॉलेज के एकदम नियर बाय एरिया में, जैसे कि इधर रेसिडेंस में, तो यहाँ का रेंट है 580 पर मंथ, बट यू कांट पे मंथली। आप जब अपनी कॉलेज की फ़ीस भरोगे तब आपको अपनी रेसिडेंस की फ़ीस भर दी जाएगी, बट मंथली नहीं भरनी है। सो 23 डॉलर्स यहाँ पे आपको उसी जब आप कॉलेज की फ़ीस भरोगे उसी टाइम पे आपको भर देनी है। एंड बस यहाँ आके सीधा आपको लॉगिन करना है, आपको अपना स्वीट का कार्ड मिल जाएगा एंड देन यू कैन स्टे विद योर फ्रेंड्स एट द कॉलेज रेसिडेंस ओनली। ये हमारा कैफेट एरिया है, यहाँ पे सारी गेम्स रेसिडेंस वालों ने प्रोवाइड की हुई है फॉर स्टूडेंट्स। जैसे आप देख सकते हो फूसबॉल है, बास्केटबॉल है, पजल्स है, पेंटिंग है, सारी बोर्ड गेम्स है, टेबल टेनिस भी था पहले जब मैं यहाँ पे रहता था, टेबल टेनिस भी था और छोटी सी क्रिकेट की पिच भी यहाँ पे उन लोगों ने तब बनाई हुई थी। सो लेट मी नाउ शो यू द किचन। दिस इज आवर किचन गाइस, यहाँ पे चार स्टोव्स दी हुई है। This is our laundry room, guys. Let's get in. जैसे आप देख सकते हो मल्टीपल वॉशिंग मशीन यहाँ पे दिए हुए हैं, ड्रायर्स ऑल्सो। सो ये है हमारा स्पार्कल मशीन। सो स्पार्कल बेसिकली लॉन्ड्री के लिए स्टूडेंट्स के लिए कार्ड दिया जाता है, उनमें पैसे लोड करके जस्ट टैप करो एंड देन यू कैन यूज अवर मशीन फॉर लॉन्ड्री। उसके बाद स्पेशली आयन करने के लिए भी छोटा सा टेबल दिया हुआ है। सो गाइस ये है बास्केटबॉल पिच, जो ये सब एमेनिटीज रेसिडेंस की फीस में इंक्लूडेड, यू डोंट हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट। सो गाइस अब हम जा रहे हैं कॉलेज के स्पोर्ट्स प्लेक्स में, जहां सब स्पोर्ट्स गेम खेली जाती है, इंटरनेशनल गेम्स वहां खेली जाती है, जो टीवी पे भी टेलीकास्ट होती है। दिस इज आवर स्पोर्ट्स प्लेक्स गाइस, यहां पे जिम, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह है। लेट मी टेक यू इन गाइस, लेट्स गो। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ आवर स्पोर्ट्स प्लेक्स गाइस। सो ग्राउंड फ्लोर पे है बास्केटबॉल का कोर्ट गाइस, बट अभी सारे मैचेस खत्म हुई है, ग्रेजुएशन चल रहा है, वेकेशन चल रहा है, तो अभी सब पूरा कोर्ट खाली है, बट आप जैसे देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे हैं। सो गाइस अब मैं आपको जिम एरिया ले चलता हूँ, लेट्स गो। सो गाइस दिस इज अ वे टू द जिम, लेट्स गो। This is the entrance to the gym, guys. So, guys, this is our gym area. As you can see, सारे equipments सब provide किया है. So, guys, as you can see, बड़े football pitch है. Seating arrangement भी आप देख सकते हो. जैसे फुटबॉल पिचेस होती है इंटरनेशनली, जो फुटबॉल पिच होती है, नॉट लेस देन दैट, बट या सेम फीलिंग आती है यहाँ पे बैठ के। अब
आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फुटबॉल में, आप स्कॉलरशिप भी मिलती है यहाँ पे स्टूडेंट्स को आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन सच गेम्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चिट चैट है सोनी के साथ में। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से, लंच करेंगे। सब स्टूडेंट्स हैं विंडसर के, 5-6 स्टूडेंट्स मेरे साथ आएंगे और हम लोग जा रहे हैं कहीं कुछ खाएंगे। बट यस, कुछ भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ पड़ रहा है, विंडसर में हो, सेंट क्लेयर में हो, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में हो, आप मेरे स्टूडेंट्स को रीच कर सकते हो। हमारा पूरा एक एसोसिएशन है, अमृतपाल ऑफ विजन की पूरी कम्युनिटी है, जितने भी स्टूडेंट्स कैनेडा में वर्ल्ड वाइड रहते हैं उनकी पूरी हमने एक कम्युनिटी बना के रखी है। सो दैट कोई भी स्टूडेंट कहीं पर फंसता है तुरंत उसका काम जो है डाउट है वो सॉल्व हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड यस, इंस्टाग्राम को फॉलो करिए अमृतपाल विजन। रोज नए कैंपस टूर्स का और रोज नए डेस्टिनेशंस का आपको पता चलता रहेगा। बाय बाय, सी यू सून, सी यू सून गाइस।